अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मौजूद है Vivo V29 के बाद V29e, जिसकी अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। इसकी स्पेसिफिकेशन, इसकी प्राइस और ये फ़ोन आपको क्या बाय करना चाहिए या फिर नहीं, आइए सारा कुछ मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो अभी सबसे पहले इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। जहाँ पे बॉक्स को ओपन किया जाए, सबसे ऊपर हमें अपना फ़ोन देखने को मिलता है। ये रही जी इसकी फर्स्ट लुक, चेक करें। एक सिलिकॉन केस, एक अडेप्टर, यूएसबी टाइप सी केबल और लास्ट के ऊपर सिम इजेक्टर 2। और अभी हम बात करते हैं जी अपने मोबाइल की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले। तो इसके अंदर हमें 6.6 इंचज की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट। इसके साथ ना मेरे ख्याल के अंदर इनको ना थोड़ी सी कर्व डिस्प्ले प्रोवाइड करनी चाहिए थी, जिस तरह इनफिनिक्स 030 के अंदर हमें मिलती है। हालांकि वो 60,000 रुपए का फोन है, तो वैसे एक बात का हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए कि इन्होंने हमें पंच होल वाली डिस्प्ले दे दी है, वरना ड्रॉप नोट से ये गुजारा करवा देते थे आगे। मतलब ये कि ओवरऑल डिस्प्ले एक बेहतरीन है, कि हर चीज हमें इसके अंदर देखने को मिल रही है। अभी अगर इस फोन के डिजाइन की बात की जाए, तो बैक के ऊपर हमें एक ग्लास देखने को मिलता है, जिसके ऊपर ना हमें टेक्सचर देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप सुन सकते हैं। इसी के साथ ये फ्लैट डिजाइन के साथ है और हमें बैक के ऊपर डुअल कैमरा सेटअप, एक साथ रिंग लाइट और ओरा लाइट भी देखने को मिल रही है। अभी अगर इस फोन की बैटरी सेक्शन की बात करें, तो इस फोन के अंदर हमें 4800 mAh की बड़ी बैटरी, साथ 44 वोट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ये फोन USB टाइप सी पोर्ट, सिंगल स्पीकर, एंड्रॉयड 13 का सपोर्ट, फिंगरप्रिंट हमें इन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसी के साथ डुअल सिम स्लॉट हमें नीचे ही देखने को मिल रही है। अभी अगर हम इस फोन के कैमरा सेक्शन की बात करें, तो बैक के ऊपर हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जी, मेन 64 मेगापिक्सल। उसी के साथ हमें ओरा लाइट भी देखने को मिल जाती है, जैसा कि हमें Vivo V29 के अंदर भी देखने को मिल रही थी। मतलब कि हम यहाँ से ना इसका टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है जी Vivo V29e के बैक कैमरा से 1080 60 fps पर, और आवाज वगैरह भी इसी से रिकॉर्ड हो रही है। बाकी मेरे ख्याल से ना इनको हमें 2K का भी सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए था, और वो हमें देखने को नहीं मिल रहा। इसी के साथ हमें फ्रंट के ऊपर 50 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल रही है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है जी Vivo V29e के फ्रंट कैमरा से 1080 30 fps पर, क्योंकि हमें 60 fps भी देखने को नहीं मिलते हैं इसके फ्रंट कैमरा से। बाकी रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने है। अभी अगर इस फोन की परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो इस फोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि है जी एक 5G प्रोसेसर। इसी के साथ हमें इस फोन के अंदर 8GB रैम, साथ 256GB की स्टोरेज देखने को मिल रही है। अभी हम बात करते हैं जी ये फोन आपको बाय करना चाहिए या फिर नहीं, और इसकी क्या प्राइस मार्केट के अंदर पाकिस्तान में चल रही है। तो सबसे पहले अगर प्राइस की बात की जाए, तो ये फोन आपको 1,10,000 की प्राइस में देखने को मिल जाएगा, और ऑफलाइन मार्केट के अंदर आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल सकता है। मतलब कि ये फोन आपको 1,07,08,09,000 तक का देखने को भी मिल सकता है। तो अगर आपका इतना बजट है ना, तो ये फोन एक बेहतरीन डिवाइस है इस बजट के अंदर। और इसी के साथ आपका बजट इतना नहीं है और आपको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि फोन इन्फिनिक्स का हो या फिर वीवो का, तो तब आप इन्फिनिक्स 030 4G की तरफ जा सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन डिवाइस है 60,000 की प्राइस में। और अगर आपका 1,00,000 तक का बजट है, तो तब आपको ये फोन Vivo V29e को बाय कर लेना चाहिए। और लेटेस्ट अनबॉक्सिंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।